कानपुर देहात में हुए इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 145 पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है, 145 पहुंच चुकी है ये संख्या। हादसे में करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के चलते कई ट्रेनें अभी भी रद्द की गई हैं, इसकी मलबा हटाया जा रहा है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रविवार को कानपुर हादसे में अपनों को खो चुके लोग सोमवार को जब स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे तो उनका दर्द छलक गया। हर किसी के चेहरे पर मौत का खौफ और अपनों को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। अपनों को खोने और मौत का सामना करने के बाद आखिरकार इंदौर पटना एक्सप्रेस में दुर्घटना के शिकार लोग स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे। डर और गम का मंजर उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। हर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अपनों को खोने का गम हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ उदासी ही उदासी छाई है। लोग खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जो बोल रहे थे उनका दर्द आंसू बनकर उनकी आंखों से छलक रहा था। तो मालूम नहीं था, टू में हुआ था उधर आगे, लोग तो उन्हें मालूम नहीं था रात में। ठीक है, रात का समय ट्रेन में ही थे। क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ क्या बताएं, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक एकदम गाड़ी में जोर जोर से आवाज होने लगा और गाड़ी तिरछी हो गई पूरी। हम लोग बहुत ही भयंकर रही थी। विकलांग डब्बा है और जो जनरल था, आगे का पोजीशन का पता नहीं है। विकलांग डिब्बा जो जनरल है वो आगे का पोजीशन सही नहीं है। बचा है वही जो S3 है S4, और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा को हम नहीं बता सकते। तो भगो सब, ये ट्रेन नहीं तो पलटी खा जाएगा। हम लोग उतर कर देखे तो हम लोग का ट्रेन पटरी से उतरा हुआ था, हम लोग नीचा उतर गए और हम लोग फिर देखने लगे तो कोई आदमी हम लोग को दिखाई नहीं देने लगे। अंधेरा था, 2:45 बज रहा था। ट्रेन के समय तो कुछ देर तक तो आधा घंटा तक तो शॉक टाइप था, लेकिन पुलिस वगैरह आने के बाद लोगों को लगने लगा तसल्ली की कुछ तो करेगा लोग, लेकिन काफी भयावह था। कई यात्री ऐसे थे जिनके परिजनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो अपनों की जानकारी नहीं मिलने से परेशान भी दिखे। दोस्त का पापा जी है सर, तारकेश्वर मेहता जी, ये नहीं मिले। वहाँ पूरे हॉस्पिटल में खोज लिया गया है, कहीं नहीं मिले हैं। सभी जगह वहाँ भी हम लोग आदमी गए हुए हैं, अभी तक किसी का कोई समझा नहीं मिली है। प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए लगा रहा। जैसे ही लोग स्टेशन पर पहुंचे, उनके खान पान के साथ उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की गई थी। तकरीबन 250 से अधिक लोग यहां पहुंच चुके हैं और उसमें से अधिकांश लोग सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। 2-3 लोगों की थोड़ा सी एक्स्ट्रा इंजरी थी, उसके लिए मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से उनको पहुंचाया गया है। एक तरफ जहां लोग हादसे को लेकर संजीदगी दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में संवेदनहीनता की भी तस्वीर दिखाई दी। यहां यात्रियों से बस का भाड़ा लिया जा रहा था, वो भी बढ़ाकर। हादसे के वक्त भी इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो पैसेंजर थे वो काफी परेशान थे। ये बताइए कि जब बस वाले आपको बैठा रहे थे तो क्या कह रहे थे और कितना का रसीद आपको कटा? वो 20 रुपए के रसीद दिए, 60-60 रुपए लिए, वो वहां से उतार रहा था। सब आधे रास्ते में तो उठा दिया। पुलिस वाले बोला थे कि फ्री सेवा है। अब था सरकारी बस, डिपो के था, सफेद रंग के बस था, और उसमें से फिर जो आधे रास्ते में चलाए तब तो भी सब टोटल से पैसे लिए, पूरा 60-60 रुपए तो उतार रहे थे सबको, जबकि मुफ्त सेवा थी। मुफ्त सेवा थी और 60-60 रुपए बस वाले लिए हैं। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप? मैं इंदौर से आए, दरभंगा जाएंगे। उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह जी, ये उपेंद्र जी हैं, और सबसे दुखद बात ये है कि जो बस फ्री सेवा के लिए थी वहाँ पैसेंजर से न केवल पैसे लिए गए बल्कि 20 रुपए का रसीद थमाकर 60 रुपए लिए गए। हादसे का भयानक मंजर लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। लोग खौफ के साए से बाहर नहीं आ सके हैं। समय के साथ हो सकता है कि ये जख्म भर जाए।
लेकिन अपनों को खोने से इनकी जिंदगी में जो खालीपन आया है शायद वो ये कभी ना भूल पाए। पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के जो लोग ट्रेन हादसे का शिकार हुए हैं उनकी लिस्ट प्रशासन ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें बिहार के मृतकों की सूची काफी लंबी है। रत्निका, अनिल किशोर, डॉक्टर कोमल सिंह, रजन कुमार, ये जो पूरी सूची है इसमें बहुत सारे लोग हैं। हम आपको पूरी सूची दिखा रहे हैं। श्रेया सिंह, सिवान, ललिता देवी, ककरबागी, उन लोगों की लिस्ट है जो कि वहां से आई है। मृतकों की सूची देव कुमार यादव, राम कुमार वर्मा, सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, दर्दनाक ट्रेन हादसा जिसकी वजह से मातम छाया हुआ है। रविवार तड़के कानपुर के पास हुए रेल हादसे में रोहतास जिले के शिवपुर गांव निवासी एक बीएसएफ जवान अनिल सिंह की मौत हो गई। अनिल इसी ट्रेन में सवार थे और छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। अनिल के दो पुत्र, एक बड़ा अंकित बीटेक कर रहा है जबकि छोटा बेटा अंशु आईसी का छात्र है। आपको बता दें कि रेल हादसे में बीएसएफ जवान की भी जान चली गई है, जिसके दो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, परिवार का इकलौता कमाने वाला था, छुट्टी लेकर ये जवान घर आ रहा था और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। और किसानों को यहां पर बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 500 और 1000 की पुरानी करेंसी से बीज खरीद पाएंगे अब किसान। रबी की मौजूदा फसल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्र, राज्य और सार्वजनिक इकाइयों से किसान बीज खरीद पाएंगे 500 और 1000 के नोटों से। किसानों को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा। दरअसल रबी की मौजूदा फसल आने